दोस्तों, सेंधा नमक को लेकर आम धारणा है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ व्रत में किया जाता है। यह बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि सेंधा नमक के इस्तेमाल को इतना खास क्यों माना जाता है? सेंधा नमक में ऐसा कौन सा गुण है जो इसे अन्य प्रकार के नमक से स्पेशल बनाता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब और सेंधा नमक के फायदे, ये सभी हम आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें और आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ बने रहें। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सेंधा नमक को लाहौरी नमक भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल वैसे तो व्रत और उपवास में खाई जाने वाली चीजों में किया जाता है, हालांकि आजकल लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल रोजाना खाए जाने वाले भोजन में भी करने लगे हैं। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि सेंधा नमक खाने से स्वास्थ्य को कितने फायदे मिल सकते हैं। यह नमक अपने गुणों और अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। अपनी शीतलता की वजह से सेंधा नमक पित्त दोष को दूर करने में भी मदद करता है। सेंधा नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। सेंधा नमक को हमेशा से उत्तम नमक का दर्जा दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बाकी नमक से ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, सेंधा नमक के फायदे जानने से पहले हम आपसे बात करेंगे कि कैसे बनाया जाता है सेंधा नमक। जी हाँ दोस्तों, सेंधा नमक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बनाने के लिए किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी या फिर केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सेंधा नमक पूरी तरह से नेचुरल तरीके से तैयार होता है। यही वजह है कि ये नमक सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, सेंधा नमक हिमालय में मिलने वाले पिंक पत्थरों को पीसकर तैयार किया जाता है। इसे रॉक सॉल्ट या पहाड़ी नमक के नाम से भी जाना जाता है। सेंधा नमक को तैयार करने के लिए किसी फिल्टर या रिफाइनरी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता, इसलिए इसमें तमाम मिनरल्स बरकरार रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सेंधा नमक खाने के फायदों के बारे में। आयुर्वेद की माने तो सेंधा नमक का सेवन करने से कई फायदे होते हैं। ये सर्दी खांसी को ठीक करने के साथ साथ डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं से भी राहत दिला सकता है। आइए जानते हैं कि सेंधा नमक का सेवन करने से आपको कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। नंबर एक, मसूड़ों के लिए फायदेमंद। दोस्तों, अगर आपके मसूड़ों से खून आता है तो सेंधा नमक इस समस्या को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आपको एक चम्मच सेंधा नमक, त्रिफला चूर्ण और नीम के चूर्ण को लेना है और इन सब का एक मिश्रण तैयार करना है। फिर इस मिश्रण से मसूड़ों की हल्के हाथ से मालिश करनी है और पानी से कुल्ला कर लें। ध्यान रहे कि इस मिश्रण की मात्रा एक चुटकी से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नंबर दो, डाइजेशन सिस्टम को बनाता है मजबूत। जी हाँ दोस्तों, सेंधा नमक पेट में मरोड़, पेट दर्द और गैस आदि का इलाज करने में मददगार है। यह डाइजेशन प्रोसेस के लिए काफी फायदेमंद होता है। भोजन में सेंधा नमक को मिलाकर खाने से भूख बढ़ती है। सेंधा नमक पेट में एसिड की मात्रा को कम करने में मदद करता है और साथ ही सीने में जलन की दिक्कत को भी दूर करता है। गर्मियों के मौसम में आप लस्सी में सेंधा नमक और पुदीना की ताजी पत्तियां मिलाकर पी सकते हैं। नंबर तीन, वजन घटाने में मददगार। दोस्तों, आयुर्वेद के मुताबिक सेंधा नमक वजन घटाने में भी आपकी काफी हद तक मदद करता है। यह एक फैट बर्नर की तरह काम करता है। सेंधा नमक शरीर के मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है और भूख में कमी लाता है। इतना ही नहीं, ये शरीर से डेड फैट सेल्स को रिमूव करने में भी मदद करता है, जिससे आपका वजन तेजी से घटने लगता है। नंबर चार, पेट के कीड़ों को मारता है। दोस्तों, सेंधा नमक पेट के कीड़ों को मारने का भी काम करता है। नींबू के रस में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नंबर पांच, जोड़ों की समस्या को करता है दूर। दोस्तों, सेंधा नमक जोड़ों में दर्द और जकड़न से राहत दिलाने का भी काम करता है। इसके लिए आप एक कप सेंधा नमक की पोटली बनाकर इसे अच्छे से गर्म कर लें और इस पोटली को जहां भी आपके शरीर में जोड़ों में दर्द है वहां पर लगाइए। ऐसा रेगुलर करने से आपको जल्द ही जोड़ों में दर्द से आराम मिल जाएगा। नंबर छह, मांसपेशियों में ऐंठन यानी कि मसल क्रैम्प्स को कम करता है। जी हाँ दोस्तों, शरीर में मांसपेशियों व नर्व सिस्टम के सही प्रकार से काम करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत होती है। इन इलेक्ट्रोलाइट के असंतुलित होने से मांसपेशियों में ऐंठन यानी कि मसल क्रैम्प की समस्या हो सकती है। ऐसे में सेंधा नमक के इस्तेमाल से
इलेक्ट्रोलाइट्स के स्तर को संतुलित किया जा सकता है। एक शोध में कहा भी गया है कि सेंधा नमक में इलेक्ट्रोलाइट्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं। अगर किसी को मांसपेशियों में दिक्कत है तो वह एक टब पानी में सेंधा नमक मिलाकर उसमें कुछ देर बैठ सकता है। इसके अलावा गुनगुने पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर पीने से भी फायदा होता है। नंबर 7, गले में खराश के लिए सेंधा नमक। दोस्तों, मौसम में बदलाव होने या ठंडा गर्म खाने से सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है, इसकी वजह से गले में खराश हो सकती है। वहीं सेंधा नमक में डीकंजेस्टेड गुण होते हैं जो गले में फंसे बैक्टीरिया युक्त बलगम को पतला कर उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। साथ ही यह खांसी की समस्या से भी राहत दिला सकते हैं। गले में खराश की समस्या दूर करने के लिए सेंधा नमक युक्त गुनगुने पानी से गरारे किए जाते हैं। इससे कुछ ही दिनों में पीड़ित व्यक्ति को राहत मिल जाती है। नंबर 8, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए सेंधा नमक। दोस्तों, शरीर को फुर्तीला बनाए रखने के लिए मेटाबॉलिज्म सबसे आम प्रक्रिया होती है। हम जो भी खाते हैं हमारा शरीर उसी से एनर्जी प्राप्त करता है। सभी खाद्य पदार्थों को मेटाबॉलिज्म ही एनर्जी के रूप में शरीर में परिवर्तित करता है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के उपाय के तौर पर सेंधा नमक उपयोगी साबित होता है। इससे शरीर के कार्यप्रणाली में सुधार होता है। सेंधा नमक पाचन तंत्र और आसपास के अंगों में पानी के अवशोषण को बढ़ा सकता है। साथ ही सेंधा नमक में आयोडीन भी होता है और आयोडीन मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, हृदय स्वास्थ्य के लिए सेंधा नमक के गुण। दोस्तों, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA के मुताबिक हृदय के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक व्यस्क को प्रतिदिन 1 ग्राम से अधिक और 2.5 ग्राम से कम सोडियम यानी कि नमक का सेवन करना चाहिए। शरीर में सोडियम के स्तर को संतुलित बनाए रखने के लिए इस मात्रा को उचित माना गया है। इससे अधिक मात्रा में नमक लेने से हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। खासतौर से प्रोसेस्ड फूड में सोडियम की मात्रा अधिक होती है। इससे हृदय से जुड़ी कई समस्याएं जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ जाता है। ऐसे में ना सिर्फ सेंधे नमक का सेवन करना सही है बल्कि हर तरह के नमक का सेवन कम से कम मात्रा में करना चाहिए। नंबर 10, सिर दर्द और माइग्रेन में सेंधे नमक के फायदे। दोस्तों, आयुर्वेद में सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या दूर करने के लिए हिमालयन सॉल्ट इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है। डॉक्टर की सिफारिश पर सेंधा नमक युक्त तेल से मालिश करने पर माइग्रेन और सिरदर्द की समस्या से राहत पाई जा सकती है। हिमालय नमक की शुद्धता और इसमें पाए जाने वाले खनिज इसे टेबल सॉल्ट से अलग बनाते हैं। सेंधा नमक में उचित मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम और अन्य खनिज होते हैं। नंबर 11, हेल्दी स्किन के लिए सेंधा नमक। जी हाँ दोस्तों, सेंधे नमक में क्लींजिंग और डिटॉक्सिफाइंग गुण होते हैं जो डेड स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट कर स्किन को स्मूथ व सॉफ्ट बनाते हैं। साथ ही यह स्किन के टिश्यूज को मजबूत बनाता है जिससे त्वचा में नयापन बना रहता है। इसके लिए स्किन के लिए स्क्रब के तौर पर सेंधे नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही फायदेमंद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।